बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम होम मेड कुकिंग में आज मैं आपको बनाना ब्रेड बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। इसके लिए ले लिया मैदा 2 कप, वीट फ्लावर 1/2 कप, ये फार बेकिंग वीट फ्लावर है, 5 टेबलस्पून वाइट शुगर, ब्राउन शुगर 1/2 कप, और ये है 7 चम्मच जो है ब्राउन शुगर के हैं, और 2 एग ले लिए, और बटर ले लिया 5 टेबलस्पून, चॉकलेट मैंने ले ली, ये वाली चॉकलेट है, चॉकलेट ये स्वीट चॉकलेट है, ये अखरोट ले लिए कटे हुए, वनीला एसन है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, साल्ट, शुगर, वार्म मिल्क, और ये पैन ले लिया और कुकिंग स्प्रे, और ये बनाना ले लिए मैंने, 5 बनाना ले लिए, इसको हमने फोक की मदद से हमने इनको ऐसे कर लेने और पके हुए हमने बनाना लेने। ये बनाना मैंने अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है, इसमें कोई भी पीस ना हो, और ये हमारे मिक्स हो गए, ये हमारा हो गया, इसको हमने अब साइड पे कर देना है। अब हम ये शुरू करते हैं, मैदा 2 कप, वीट फ्लावर 1/2 कप, शुगर, साल्ट, वन टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा ये छोटा सा 1 चम्मच है, ये हमारा हो गया मिक्स। इसको अब हमने इनको हमने प्लास्टिक के चम्मच से मिक्स करना है। ये भी हमारा हो गया, इनको भी हम साइड पे कर देते हैं, और मेरा जो ओवन है वो प्री हीट है 355 पे। ये बटर हमने इसमें डाल देना, वाइट शुगर, ब्राउन शुगर, इनको हमने प्लास्टिक के चम्मच से मिक्स करना है, और रूम टेम्परेचर हमारी ये जो है बटर और एग होने चाहिए। हमने इसको चम्मच से 1 मिनट मिक्स कर लिया, ये देखें, अब हमने इस मशीन से कर लिया 5 मिनट, अब इसमें हमने ये दोनों एग डाल दिए, अब इनको मिक्स करना है हमने 2 मिनट, ये 2 मिनट हमारे हो गए एग डाल के भी, अब ये सारे बनाना इसमें डाल देना है। अब बनाना डाल के मिक्स करना है, मैंने बनाना डाल के 2 मिनट कर लिया, ये हो गया अब हमारा। अब ये ड्राई जो है ये पाउडर, ये जो हमने ड्राई रखा मैदा, ये इसमें डाल देना और थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और प्लास्टिक के चम्मच से मिक्स करना है, और इस तरह और एक डायरेक्शन में करना है, इसकी डायरेक्शन हमने चेंज नहीं करनी। अब ये सारा डाल देना, और इनको हमने एक डायरेक्शन में कर रहे हैं, ये वनीला ऐसा चंद ड्रॉप्स मिक्स, ये दूध, जरूरत के मुताबिक हमने डालना, अगर कम हुआ तो मैं बाकी भी डाल दूंगी, इसलिए स्ट्रक्चर हमारा पतला नहीं होना चाहिए, और नहीं डालना, काफी है।
या अखरोट, चॉकलेट। ये हमने सारा प्रोसेस हमने एक ही डायरेक्शन में करना है। ये हमारा पूरा हो गया। अब ये पैन लेना और इसको ये लगाना है कुकिंग स्पे। अब इसमें ये सारा डाल देना है। ये हमने इसमें डाल दिया। इसको प्लास्टिक की चम्मच से इसको हमने ऐसे करना है डेवल। जब ये हमारा हो जाए तो हमने इसे ऐसे 3-4 दफा करना है और फिर ये रेडी है ओवन में बेक होने के लिए। ये जो है मेरा प्री हीट ओवन है 350 पे। हमने केक इसमें रख दिया है। ये जो है 1 आवर तक बेक होगा। शुरू के जो 20 मिनट है 350 पे ये हमने इसको बेक करना है। फिर इसको हमने लो कर देना है 200 पे 20 मिनट्स मोर। और फिर उसके बाद फिर दोबारा से 350 पे करना है हमने। तो बहुत अच्छा डीपली वो अंदर तक ये कुक हो जाएगा। अगर हम 350 पे फुल 1 आवर लगाएंगे तो बाहर से तो बहुत अच्छा नज़र आता है लेकिन अंदर की जो तय होती है उसमें थोड़ा सा ना कच्चा रह जाता है। तो इस तरीके से हमारा केक जो है ये कच्चा भी नहीं रहेगा और जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छा रेडी होता है। यह हमारा केक रेडी हो गया। ये देखें हमने 1 आवर इसको बेक किया तो हमारा केक रेडी हो गया। आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। थैंक यू। खुदा हाफिज़।